गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो आज बनेगा गोभी का पकौड़ा। तो मैं अपनी स्टाइल में बनाऊँगी जैसे मेरे पापा बनाते थे। तो मैं घर पे, मेरे पापा ऐसे ही बनाते थे, तो मैं यहाँ जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइप का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आगे बने रहिए, अभी बताते हैं कैसे बनता है। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी या पापा बनाते थे, मैं कभी नहीं बनाई हूँ अपने घर पे। केवल इंजॉय करती थी बरसात के मौसम में या ठंडी के मौसम में, ऐसे ही बनता था। तो चलिए बताते हैं अभी। तो ऐसे पहले डीप फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं साथ में यहाँ पे चाय भी पीती हूँ, पीती रहूँगी, क्योंकि अलग से टाइम नहीं मिलता है जब ऐसा कुछ बनता है। तो जल्दी टाइम नहीं मिलता तो हम लोग को बनाते बनाते ही चाय पीना पड़ता है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी चाय। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे हम बनाते हैं। तो ये थोड़ी हो गया, मैं बताते हैं क्या होता है। तो ये वाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाले से ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। एक बार ट्राई करके देखिए जरूर। तो मैंने नाश्ता बना लिया, खा भी लिया था, और बनाने वाले थे पत्ता गोभी का पकौड़ा। तो चिकना बनाते बनाते मेरा सर चकराने लगा था, मतलब मन भर गया था। तो ये मैंने अनाया के लिए बनाया है, चिल्ला टाइप का, ये चिल्ला टाइप का, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो भी खा के देखते हैं। बहुत ही है ये, तो फौड़ी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मस्त लग रहा है ये। मैंने पत्ता गोभी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है पकौड़ी वगैरह, तो पत्ता गोभी काट के मैंने पकौड़ी के लिए उसको गूथा, मतलब मिला के रखा था, लेकिन फिर पकौड़ी बनाते बनाते मेरा मन भर गया था, तो इसलिए मैंने चिल्ला टाइप का बना दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अभी अनाया आएगी और इसको खाएगी, अभी हम खाते हैं। गाइस तो हम आ गए हैं ऊपर, तो अपने कपड़ा। Thank you.
शुरू से ही इसको बंद कर देते हैं, थोड़ी सी धूप और खा लेते हैं, थोड़ी सी कालियाँ बन जाते हैं। धूप नहीं लग रहा तो आज मैंने हेयर वॉश किया है। मेरी माता जी का कपड़ा भगवान जी का कपड़ा है, जो कि माता जी हिंदू हैं, उसको सब कुछ की है। क्योंकि बहुत सारा काम है तो मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ। सरप्राइज देना है क्योंकि उसको बहुत शौक लगता है इसका। बैठ के खिलाओ, बैठ के खिलाओ। कर दीदी लो खिलाओ, ये देखो तुम्हारे पास जाएगा, ले लो। अच्छा ले लो, नमकीन हमको दे दो, कहाँ रखी, गिराना मत, ले लो। और बीच में जाओ, और बीच में, और बीच में आओ। मम्मी इसको पकड़ो पकड़ो, हाँ उधर बैठो, उधर बैठो बीच में, जाओ जा। ए गुल्लू, ये देखो, ये लो, इसमें डालो, कर दो, इसमें रखो, इसमें रखाओ, सारा फैला के रखा है ये लड़का, रखो। रख दिया। गुस्से में डालना यार मम्मी, गुच्छा नहीं है, ये गुच्छे गुच्छे नहीं होता है। हाय गाइस, तो अनाया आ गई थी स्कूल से, उसके बाद हमने उसको खिलाया पिलाया, ड्रेस चेंज किया, फिर बगल के आ गया था बाबू तो उसको खिला रही थी। उसके बाद ये है दोपहर का लंच जो मैंने बनाया था, तहरी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तहरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक